हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। ये हमारा रैंक सर्वर का पार्ट 4 है और पहले 3 पार्ट भाई हम अपलोड कर चुके हैं। और अगर अभी तक नहीं देखे तो भाई जल्दी से जाके देखो और देखो कि भाई कैसे थाईलैंड वाले स्क्वाड को ना हमने मार मार कर भगाया है सर्वर में से। यानी कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड टैलेंट वाले बंदे थे और भाई 2 बुलेट में ना नॉक कर देते थे वो। देन उनसे भाई जो है वो हम फाइट नहीं ले सके पहले 2 दिन तो, लेकिन भाई उसके बाद हमने जो है वो ट्राई किया और मैका वगैरह बना लिए और मेरे जो कुछ फ्रेंड बिजी थे भाई वो भी जो है वो एक्टिव हो गए। यानी कि हमारा लीजन पूरा हो गया यहाँ और उनका भी लीजन पूरा था। देन हमारी फ़ाइट हुई बहुत ज़्यादा मैका की और भाई पीवीपी भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन उसके बाद फाइनली वो गाइस सर्वर छोड़कर भाग गए। यानी कि उनको पता चल गया कि भाई इस सर्वर में बहुत ज़्यादा जो है वो जोखिम होने वाला है हमें, तो इसलिए ना वो सर्वर छोड़कर भाग गए। तो उसके बाद जो है वो भाई हमारा जो रेगुलर सर्वर था वो स्टार्ट हो गया। यानी कि हेली मारना या फिर जो है वो टैंक लेना और ड्रॉप्स वगैरह लेना और पीवीपी काफ़ी ज़्यादा भाई। और जो है वो अब भाई फाइनली यही बचा था कि भाई ड्रॉप्स वगैरह या फिर जो है वो रूमिंग वगैरह। देन नॉर्मल बंदे बचे हुए थे सर्वर में कुछ, और उनमें से जो थे 2-3 अपने सब्सक्राइबर थे और बाकी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एनिमीज़ थे। अब इंडियन स्क्वाड का एक जो है वो बेस था यहाँ पर और वो बंदे एक्टिव भी थे, लेकिन भाई रूम वगैरह करते हुए वो बंदे मुझे नज़र नहीं आए। और उसके अलावा जो रैंक 2 वाले बंदे थे वो अपने जो पॉइंट्स थे वो डोनेट कर गए थे भाई किसी बंदे को, और लीफ नाम था शायद उसका। देन वो जो बंदा था वो भाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुपर ओर बना रहा था सल्फर के, और हमने जो है वो ट्राई किया 2-3 दफ़ा उसको पकड़ने का, लेकिन भाई वो अपने बेस के पास में बनाता था और पता नहीं कैसे इतनी जल्दी तोड़कर वो अपनी बेस में घुस जाता था। यानी कि उसकी बेस के पास में ही हमारा ट्रैप था और जब तक हम वहाँ पहुँचते तब तक वो सुपर ओर भाई लेकर वहाँ से गायब हो जाता। और अब हमें भाई ये भी था कि हो सकता है कि भाई वो बंदा जो है वो सुपर ओर जो बना रहा है वो भी फार्मिंग वगैरह अच्छी कर रहा हो, और शायद वो बंदे छुप गए हों और उन लोगों ने सोचा हो कि भाई सर्वर के एंड में हम आ जाएंगे। देन कुछ नहीं कह सकते भाई, अभी जो है वो सस्पेंस में पड़े हुए हैं। ये तो जब बैच ड्रॉप आएगा या फिर क्लोज होगा टाइम तो तभी पता चलेगा कि वो बंदे भाग गए हैं या फिर स्किप हो गए हैं या फिर भाई साइलेंट फार्मिंग कर रहे हैं वो बंदे और नज़र नहीं आ रहे यहाँ सर्वर में। तो चलो आज का जो हमारा एपिसोड है उसे स्टार्ट करते हैं। और एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले भाई अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई। अब सुबह से हम रूमिंग वगैरह कर रहे थे और उसके बाद जो है वो टैंक के स्पॉन होने का टाइम हो जाता है, और टैंक स्पॉन हो जाता है और उससे पहले आ जाता है हेली। हम आते हैं बेसिकली हेली किल करने के लिए यहाँ एयरपोर्ट पे, और हम देखते हैं कि भाई टैंक भी स्पॉन हो गया है। तो हेली के बाद मैं अपने टीममेट से कहता हूँ कि चलो भाई हम जो है वो टैंक भी डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि सर्वर में किसी और को डीप रिफाइनर मिले। तो जैसे ही टैंक स्पॉन होता है हम उसे किल कर देते हैं और डीप रिफाइनर उठाकर ले जाते हैं, यानी कि किसी और को डीप रिफाइनर नहीं देना चाहते हम। तो अभी जब हमने भाई टैंक किल किया और ये बंदा आ गया यहाँ पर, तो चलो इसको किल करते हैं और उसके बाद जो है वो टैंक की लूट चेक करते हैं कि क्या लूट मिली है हमें टैंक में से। भाई डैमेज ही नहीं मिल रहा इस बंदे को, अब पता नहीं भाई मेरा अक्सर ये ग्लिच आता है कि भाई ग्लाइडर पर जब बंदा जा रहा होता है तो उसको जो मैं डैमेज देता हूँ तो उसको डैमेज रिसीव ही नहीं होता भाई। अब तुम्हारे सामने है भाई, उसको 6-7 गोलियाँ लगी हैं जिनमें से सिर्फ 2 का डैमेज रिसीव हुआ है और बाकी गोलियों का डैमेज रिसीव ही नहीं हुआ। पता नहीं मेरे इंटरनेट का मसला है या डिवाइस का मसला है या फिर इस चीट गेम का मसला है। देन कुछ नहीं कह सकते भाई, इस बंदे से तो कुछ नहीं मिला, शायद कोई फार्मिंग वगैरह कर रहा था और इसने देखा कि कोई बंदा टैंक किल कर रहा है और ये पहुंच गया यहाँ पर। बोन का आर्मर है इस पर, चलो मास्क उठा लेते हैं, और तो कुछ नहीं चाहिए हमें। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर नहीं।
भाई टैंक में से हमें कुछ खास लूट नहीं मिली, डीप डिफाइनर तो हमें पहले ही वैसे ही मिल चुका है, लेकिन और कुछ यानी कि ज़्यादा गन्स वगैरह कुछ खास नहीं मिली। तो चलो यार अब हम चलते हैं हमारे बेस पे, और हमें जो हैली में से भाई टेस्ला और रिफाइनिंग मशीन मिली है ना, एनर्जी रिफाइनिंग मशीन, हम अब जाके उसे रीड करते हैं, क्योंकि भाई वो मशीनें दोनों हमें चाहिए थी और वो हमें मिल चुकी हैं। तो चलो यार अब चलते हैं बेस पे और इनको हम करते हैं रीड। अब टेस्ला और एनर्जी मशीन मैंने रीड कर ली थी और उसके बाद मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा लेट टाइम हो गया था रात का। तो अगले दिन जब मैं ऑनलाइन होता हूँ तो मैं निकल जाता हूँ रूम करने के लिए, और यहाँ पर ना मुझे एक बंदा मिल जाता है। अब ये बंदा आया था रूम करने, शायद चेक करने आया था, इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको किल कर दिया। तो अभी जो है वो मुझे ब्लू कार्ड नज़र आ गया रूम में पड़ा हुआ। वैसे तो भाई ब्लू कार्ड वगैरह काफ़ी पड़े हुए थे हमारे पास, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई उठा लेता हूँ ताकि उस बंदे को ना मिले। और यहाँ पर हमारा ग्लिच भी आया हुआ है भाई गेम का, देखो स्कोप ओपन ही नहीं हो रहा। डन, चलो भाई पहले इसको किल करते हैं, ये ना हो कि ये हमारा हॉर्स किल कर दे जब तक हमने रूम ओपन करना है। तो चलो अब जो है वो जल्दी से चलते हैं और जाकर कार्ड उठाते हैं और भाई निकलते हैं फिर पर्पल रूम के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई पर्पल रूम फुल होगा। अभी मैं ऑनलाइन हुआ ही हूँ और मुझे टाइम नहीं पता रूम्स का, अब पता नहीं कौन से रूम हमें मिलते हैं और कौन से नहीं मिलते।
Mm-hmm.